जिस दिन ऐसा डिक्लेयर किया गया कि दिनेश जी अब आप चाय पानी नहीं करेंगे, अब आप हैंडल करेंगे ई कॉमर्स सेलिंग इन शॉप गुलाब, वो दिन वो पल आपके लिए कैसा था? बहुत खुशी का पल था। मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं ऊपर आके इधर बैठूंगा और मेरे को ये पोस्ट मिलेगी। उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे को बहुत सपोर्ट दिया। ऋषित भाई है, मिलिंद भाई है, हर्ष भाई है, जेदी भाई है, इन लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। आपने गुलाब ऑयल्स कब ज्वाइन किया? लगभग 2017 या 18 में। और उस टाइम आप क्या करते थे यहाँ पे आके? उस टाइम में आके चाय पानी कर रहा था। और फिर ये जो पोजीशन है आपकी ई कॉमर्स सेलर की शॉप गुलाब में, वो आपको कब मिली? मेरे को 2021 के अंदर मिली। मैं आपको पूछना चाहूंगी दिनेश जी, पहले आपकी सोसाइटी में, आपके परिवार में या आपके इर्द गिर्द रिलेटिव्स में आपको कैसे देखा जाता था, और अब जब आप एक पोजीशन पे हैं तब आपको कैसे देखा जाता है और कैसा व्यवहार होता है आपके साथ? अभी जो पहले बहुत कम ऐसा नहीं मानते थे कि बड़ा होगा कुछ करेगा, बाहर जाता हूँ तो भी एक रिस्पेक्ट बन जाती है कि कुछ बंदा बना है, कुछ पोस्ट पे काम कर रहा है।